बिहारी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट की तरफ से 100 से ज्यादा गरीब परिवार को राशन दिया गया। प्रेसिडेंट जमशेद जी ने 1 मई 2021 को प्लॉट नंबर 63 NCC गेट नंबर 7 मालवनी मलाड वेस्ट मेन प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में आफ्ताब जी, सौरभ जी, महफूज साहब और भी पदाधिकारी शामिल थे। जमशेद भाई ने कहा कि पहले भी लॉकडाउन में मैंने लोगों को राशन दिया था, अल्लाह ताला मुझे देगा टू मीन और भी मदद करूंगा। बिहारी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट की तरफ से 100 से ज्यादा गरीब परिवार को राशन दिया गया। प्रेसिडेंट जमशेद जी ने 1 मई 2021 को प्लॉट नंबर 63 NCC गेट नंबर 7 मालवनी मलाड वेस्ट मेन प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में आफ्ताब जी, सौरभ जी, महफूज साहब और भी पदाधिकारी शामिल थे। जमशेद भाई ने कहा कि पहले भी लॉकडाउन में मैंने लोगों को राशन दिया था, अल्लाह ताला मुझे देगा टू मीन और भी मदद करूंगा। बिहारी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट की तरफ से 100 से ज्यादा गरीब परिवार को राशन दिया गया। प्रेसिडेंट जमशेद जी ने 1 मई 2021 को प्लॉट नंबर 63 NCC गेट नंबर 7 मालवनी मलाड वेस्ट मेन प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में आफ्ताब जी, सौरभ जी, महफूज साहब और भी पदाधिकारी शामिल थे। जमशेद भाई ने कहा कि पहले भी लॉकडाउन में मैंने लोगों को राशन दिया था, अल्लाह ताला मुझे देगा टू मीन और भी मदद करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 इयर्स न्यूज। आज मैं आया हूं बिहारी बिहारी एजुकेशन ट्रस्ट, जहां जमशेद साहब इसके चेयरमैन हैं। और ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, ये गरीबों को अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है हर साल करते हैं, पिछले लॉकडाउन में भी किया और इस साल भी इन्होंने गरीबों को राशन देने का फैसला किया और दे रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि इतनी कठिन दौर में ये कैसे ये कार्य कर रहे हैं। 24 ईयर्स न्यूज़ में स्वागत है जमशेद साहब आपका। आपका ये बिहारी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट है और आप ये राशनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप ये सब काम कैसे कर रहे हैं? पिछले साल भी आपने किया, जोर से बोलिए। पिछले साल भी हम लोग ने 2020 में भी हम लोग ने लोगों को राशन बांटा है और खाने के पैकेट वगैरह बांटे थे, हम लोग ने अपने प्लॉट में सैनिटाइजर करवाए थे। और फिलहाल अभी 2021 में भी हम लोग गरीबों का राशन बांट रहे हैं, फिर 60 से 100 आदमी को हम लोग राशन बांट रहे हैं। आप फिलहाल आप देख सकते हैं इधर हमारे जितने भी हमारे बिहारी एजुकेशन ट्रस्ट के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो हमारे सदस्य हैं, हम लोग हर साल हमारे मेहनत करके आप गरीबों को लॉकडाउन में हम लोग राशन बांटते हैं। तो सर, ये इतना कठिन दौर में बड़ी बड़ी संस्था है जो अभी आगे नहीं आई है, छोटी छोटी दो चार संस्था अभी आगे आई है और लोगों को देना चाहिए, आगे निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे कारोबार वाले, जिसके एक बच्चे हैं, शौहर है, सब घर में बैठे हुए हैं, काम नहीं है, बेचारे परेशान हैं, उसको आप राशन देने के काम आप खुद कर रही है या इस काम में कोई आपका हेल्प कर रहा है? नहीं, ये फिलहाल तो हम लोग अपनी हमारी संस्था खुद कर रही है, हम हमारे अपने पर्सनल जेबों से हम लोग खर्चा करके लोगों को बांट रहे हैं राशन, जो गरीब है, जो मजबूर है, जिसे कमाने वाले नहीं है। जैसे कि पिछले साल भी हम लोग ने बांटे थे और ये साल भी हम लोग अच्छा खासा बांट रहे हैं। हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पे। तो ये जो आज आप कार्यक्रम रखा है, ये कार्यक्रम आगे भी रखेंगे या आज आप अपने तौर पे जो किया है वो काफ़ी है? इंशाल्लाह हम लोग हर साल भी अगले साल भी इंशाल्लाह बांटने की कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने नवाजा तो हम इंशाल्लाह हर साल बांटेंगे, गरीबों को हेल्प करेंगे, हमारे से जितना होगा हम लोग। अभी बहुत खतरनाक दौर चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लोगों को मास्क के लिए, लोगों को अपने सेफ रहने के लिए, लोगों को क्या मैसेज देंगे सर? मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और मुँह पे मास्क रखिए और हाथों का सैनिटाइजर करते रहिए, 2 गज की दूरी रहना चाहिए, जहाँ तक कोविड का दौर चल रहा है अभी। मैं जनता से मैसेज यही चाहूँगा कि मतलब सोशल डिस्टेंस करें, उसका पालन करें। आप भी बोलेंगे? तो मैंने बात किया जमशेद साहब से, कैमरामैन शादाब के साथ, अब्दुल समद शेख, मुंबई। नाम बोलिए। आफ्ताब आलम नाम हुआ मेरा जनाब। ओ, ये आपकी जो संस्था है ये कितने साल से काम कर रही है, जोर से बोलिएगा? ये तकरीबन 10 बरस से हम लोग की संस्था काम कर रही है और इसमें हमारे जो सदर हैं जमशेद शेख, वो हमारी बहुत अच्छी सहायता, उनके सरपरस्ती में हम लोग ये काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम आपको इससे अच्छा काम करके दिखाएंगे। पिछले लॉकडाउन में भी आपने किया था? जी, पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने
यहाँ के आवाम के लिए अपने जो भी जरूरत की चीज़ थी उनको पूरा किया था, उसमें अपना सहयोग दिया था। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये देना चाहते हैं कि बहुत बुरे दौर से अभी पूरा मुल्क गुजर रहा है और ये जो कोरोना का जो काल है इसको जो है बहुत सख्ती से लेना चाहिए और सोशल डिस्टेंस बना के रहना चाहिए और जो मास्क है उसको भी लगाना चाहिए। इसकी जो सरकार ने जो नियम दिए हैं उसको पालन ज़रूर करना चाहिए। अब आपने आपकी संस्था है बिहारी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट, आप लोग इस साल राशन दे रहे हैं लॉकडाउन में, पिछले साल भी दिया है, तो आपको कैसा लग रहा है और आपको मदद कौन कर रहा है इस काम में? मदद कोई नहीं कर रहा है, हम हमारे भाई जमशेद हमारी संस्था है वो लोग हम मिलकर मदद कर रहे हैं। पिछले साल भी बांटे थे लॉकडाउन में कि गरीबों इंसान परेशान है, उसको तो कमाने वाले नहीं हैं, तो हमारी संस्था की तरफ से हम लोग भाई बहन मिलकर और हमारे जो संस्था वाले वो लोग मिल के थोड़ा गरीबों को राशन पिछले साल भी दिए और इस साल भी लॉकडाउन है इसलिए दे रहे और ऐसा रहा तो इंशाल्लाह आगे साल भी बांटेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आपको हम लोग ये हम लोग का जो संस्था है 10 साल से हम लोग मदद कर ही रहे दूसरे को, हालांकि मैं करती हूँ, मैं भी एक नवा समाज सेवक हूँ, हर कामों में दे रही मदद करती हूँ, किसी की शादी ब्याह किसी गरीबी में देती हूँ और इंशाल्लाह हम भाई बहन आगे चल के भी देंगे। तो पिछले साल भी आपने दिया, इस साल भी दे रहे हैं और इस साल बहुत कंडीशन ख़राब है, लोग काफ़ी तादाद में लोग मर रहे हैं वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को बच्चों को कि अपने आप को कैसे सेफ रखा जाए? फालतू सेफ रहना चाहिए, सैनिटाइजर करा करना चाहिए, अब क्या करेंगे ऐसा निकल गया तो मास्क सेफ्टी करो, हम लोग भी कर रहे हैं, बाकी जन को क्या करेंगे, अब वही सेफ्टी रहना है और जहाँ है हम लोग सोशल करते ही हैं, उन लोगों को अपने आप को सेफ्टी रखना चाहिए और क्या बोलेंगे। ओके ओके, और ऐसा रहा तो इंशाल्लाह अगले साल भी ऐसा रहा तो हम हमारी बिहारी मंत्रालय में गए तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही बांटेंगे।